तो गाइस आज की वीडियो में हम एक अनसपोर्टेड पीसी पर विंडोज 10 से विंडोज 11 पर किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं ये देखेंगे, और किस तरह से पहले उसकी हम आईएसओ डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ब्राउजर ओपन कर लें और उसमें आप लिखें सबसे पहले डाउनलोड विंडोज 11 आईएसओ। सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट की मिलेगी, इसको ओपन कर लें। इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। तो इसमें तो आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगी, तो आप इसमें सेकेंड ऑप्शन विंडोज इंस्टॉलेशन मीडिया वाली सेलेक्ट कर लें, डाउनलोड टूल कर लें। मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड होगा पहले, और उसके बाद विंडोज की आईएसओ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ओपन कर लें और इसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें, नेक्स्ट करें। अब इसमें आपके पास लाइसेंस टर्म एक्सेप्ट करने की ऑप्शन आएगी, नेक्स्ट एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद दोस्तों आपके पास लैंग्वेज और एडिशन, आप इसको सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट कर दें। आईएसओ हमें डाउनलोड करनी है, आईएसओ सिलेक्ट कर लें। फ्लैश ड्राइव पर हम इंस्टॉल नहीं करेंगे यूएसबी पे। आईएसओ सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। लोकेशन सिलेक्ट कर लें अपनी, विंडोज कर लें, यहाँ पे विंडोज 11 कर देते हैं हम इसको। सी ड्राइव में इसको सेव कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, आपके कनेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, अभी ये जो आईएसओ डाउनलोड हुई है उसको वेरीफाई कर रहा है। दोस्तों जो आईएसओ डाउनलोड हुई है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्चुअली आपके ड्राइव पर माउंट हो जाएगी, वर्चुअल सीडी रोम पर माउंट हो जाएगी। उसके बाद हम उसका सारा डेटा कॉपी करके एक विंडोज 11 के फोल्डर में उसको पेस्ट कर देंगे, और फिर उससे हम अपग्रेडेशन का प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब हम इसको विंडोज़ 10 जो हमारे पास अभी करंटली इंस्टॉल्ड है इसको अपग्रेड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार स्टार्ट पे जाएं, रन पे क्लिक करें, रेज एडिट आपको टाइप करना होगा, इसमें रेज एडिट लिख के ओके करें। एक रजिस्ट्री एडिट करना होगा, तो सबसे पहले क्या करें, आप एच की लोकल मशीन पे जाएं, उसके बाद सिस्टम पे जाएं, सिस्टम के बाद सेटअप पे जाएं, सेटअप के बाद आपको एम ओ सेटअप नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें एक बार। और यहाँ पर आपको एक न्यू डीवर्ड वैल्यू 32-bit आपको क्रिएट करनी होगी, और उसमें आपको इसको रीनेम करके क्या करना होगा, अलाउ अपग्रेड्स विद अनसपोर्टेड TPMO आर CPU। इसको आप कॉपी कर लें, ये विदाउट स्पेस आप सारा टाइप कर दीजिएगा यहाँ पे, इस तरह से आप कर दें, अलाउ अपग्रेड्स विद अनसपोर्टेड TPMO आर CPU, और इसको मॉडिफाई करें। और यहाँ पर जो आपको जीरो नज़र आ रहा है इसको वन कर दें, इसको वन कर देते हैं, ओके कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद हम विंडोज 11 का फोल्डर ओपन कर ले जहाँ पे हमने इसका पूरा सेटअप कॉपी किया था, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें, यस कर दें। दोस्तों आप देख सकते हैं विंडोज की सेटअप शुरू कर दिया है, और चेक लगा देते हैं इस पे, आई वांट टू हेल्प मेक द इंस्टॉलेशन बेटर, नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास अभी करंट मीट नहीं हो पा रही है सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, उसको बैक करते हैं। और जो अपना सेटअप फोल्डर है इसमें आप सोर्सेज में चले जाएं, सोर्सेज में आपको एक फाइल नज़र आएगी appraisers.dll, राइट क्लिक करें, ओपन विद करें देते हैं, और इसको नोट पैड में हम ओपन कर लेते हैं एक बार। फाइल ओपन हो गई अपने पास। दोस्तों हमारे पास इसको इसके लिए दो ऑप्शंस हैं, एक तो हम इसको सेलेक्ट करके जो भी इसका कंटेंट है सेल्फ सेलेक्ट कर लें इसको, और इसको डिलीट कर दें, और इस फाइल को हम दोबारा से सेव कर दें और इसको बंद कर दें। एक ऑप्शन दोस्तों अपने पास ये है, और एक हम ये कर सकते हैं कि इस फाइल को, इस पर्टिकुलर फाइल को हम डिलीट कर दें सोर्सेज में जाके, appraisers.dll स्पेसिफिक यही फाइल यूज करनी है, इसके मिलती जुलती फाइल्स और हैं तो उसको ना कर दें, appraisers.dll। इस फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हैं, अभी हमने फिलहाल इसको कंटेंट इसका क्लियर कर दिया जो भी इसमें था। सिस्टम को रीस्टार्ट करें और सेटअप दोबारा से रन करें एक बार, विंडोज इंस्टॉलेशन दोबारा से देखते हैं चेक करके कि होता है या नहीं होता।
अभी दोस्तों देखिए रेडी टू इंस्टॉल आ गया है और विंडोज़ इंस्टॉल विंडोज़ 11 आईओटी एंटरप्राइज और कीप माय पर्सनल फाइल्स एंड एप्स ये आ गया है। इंस्टॉलेशन हम क्लिक कर देते हैं, इंस्टॉलेशन शुरू कर देते हैं। अपग्रेडिंग शुरू हो गई है और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में, अपग्रेड होने में। दोस्तों आप देख सकते हैं विंडोज़ अपनी इंस्टॉल हो गई है एक अनसपोर्टेड पीसी पर। तो इस तरह से मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास विंडोज़ इंस्टॉलेशन विंडोज़ 10 इंस्टॉल थी सिस्टम पे और हमने उसको अपग्रेड किया है और आप देख सकते हैं कि जो पहले से जो हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल थे वो एज़ इट इज़ इसमें भी शो कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं विंडोज़ इंस्टॉल। दोस्तों अब आपको विंडोज़ 11 पे मूव कर लेना चाहिए क्योंकि विंडोज़ 11 जो है ये विंडोज़ 10 जो है ये नेक्स्ट ईयर में इसका लाइफ हो जाएगी, ओवर हो जाएगी लाइफ अक्टूबर 2025 में। तो इसको आप यूज़ करना शुरू कर दें और सिस्टम को भी अपग्रेड करना शुरू कर दें। विंडोज़ 11 आप यूज़ करना चाहते हो तो अगर आप जेन्युइन तरीके से आप इसको मतलब इसमें आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपको विंडोज़ 8th जनरेशन प्रोसेसर से अबव कोई प्रोसेसर और TPM2 रिक्वायर्ड होता है, TPM 2.0 ये रिक्वायर्ड होता है। ये अगर इसके ऊपर आप कोई भी प्रोसेसर लेते हैं तो आपके सिस्टम पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो जाएगी और चल भी जाएगी आराम से। विंडोज़ 10 अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आप उसको फ्री में विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर सकते हैं, बस आपका सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए। MBR और GPT बेस्ड सिस्टम के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी MBR पे भी। विंडोज़ 11 की आई है दोस्तों, अगर आप डाउनलोड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की साइट से तो लगभग 5.1 GB की अराउंड ये ISO होने वाली है और आपको स्पेस चाहिए होगा 20 से 27 GB के अराउंड होना चाहिए मिनिमम जो है, मतलब इसमें इंस्टॉलेशन इंस्टॉल लगती इतनी चाहिए होती है। और स्टोरेज तो आपके पास जबकि इससे डबल से ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 65 GB तक होना चाहिए। 1 GB और फास्टर CPU आप इसमें यूज़ कर सकते हैं विद 2 or more cores 64-bit प्रोसेसर के साथ। 4 GB रैम अगर आप यूज़ करते हैं तो सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको 8 GB या 16 GB तक रैम रखें तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिल पाएगी। ग्राफिक्स कार्ड के लिए जहाँ तक बात है, ग्राफिक्स कार्ड विद DirectX 12 और लेटर इसमें रिक्वायर्ड होता है अगर आप ग्राफिक्स कार्ड भी यूज़ करना चाहते हैं विंडोज़ 11 पे। इस तरह से आप यह कर सकते हैं दोस्तों विंडोज़ 11 पे अगर आप अपग्रेड करते हैं विंडोज़ 10 या किसी भी OS से 10 से या विंडोज़ 11 पे आप मूव करते हैं तो आपके पास रिवर्ट बैक करने का, मतलब अगर आपको लगता है कि सिस्टम पर विंडोज़ 11 आपके पे ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी रीज़न है, अगर आप रिवर्ट करना चाहते हैं मतलब आप उसको बैक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं विंडोज़ 7 ही यूज़ करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी आपके पास 10 दिन का टाइम होता है विंडोज़ इंस्टॉल करने के। आपके 10 दिन बाद आप चाहते हैं विंडोज़ 10 पर दोबारा मूव करना
तो आप कर सकते हैं, आपके पास 10 दिन का टाइम होता है। तो उसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करें, सेटिंग्स पे क्लिक करें, सिस्टम्स पे क्लिक करें, सिस्टम पे, और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिकवरी की ऑप्शन दिखाई देगी। रिकवरी पे क्लिक करें, गो बैक की आपके पास ऑप्शन होगी, इस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं और तो आपके पास रिवर्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज 11 से, आप दोबारा से विंडोज 10 पर हो जाएगा अनइंस्टॉल, तो आप उसको फिर दोबारा से यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से आप दोस्तों कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट एंड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और अलग अलग तरह के टॉपिक्स पर वीडियो आती रहती है इस चैनल पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।